मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काई मेट वेदर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। अब जो वेदर सिस्टम बने हुए हैं वो बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है, एक अरब सागर में बना हुआ है, एक एंटी साइक्लोन है जो राजस्थान के ऊपर है और एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी आ गया है जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ऊपर है। और ये अब क्या होगा कि कल रात तक जम्मू कश्मीर तक पहला पश्चिमी विक्षोभ पहुंचेगा। तो अब आप देखिए कि जो मानसून है कई इलाकों से गायब हो चुका है, जा चुका है। अब एक दो दिनों के अंदर ये बाकी इलाकों से भी हट जाएगा और जैसे कि 15 अक्टूबर पूरे भारत से साउथ वेस्ट मानसून के विदा होने की तारीख होती है, लेकिन थोड़ा सा डिले हुआ है। अब गुजरात से और पूरे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के ज़्यादातर इलाके, छत्तीसगढ़ के उत्तरी भागों से, इन सारे इलाकों से मानसून हट चुका है। और आप देख सकते हैं कि बादल कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, केवल पूर्वोत्तर राज्यों में है और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों के साथ साथ दक्षिण भारत और महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में ही बादल देखने को मिल रहे हैं। और अगर ये जैसे हमने देखा कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ऊपर है, एक एंटी साइक्लोन है, एंटी साइक्लोन क्या जो होता है, जब हाँ एंटी साइक्लोन बन जाता है वहाँ घड़ी की दिशा में हवाएं घूमती हैं उत्तरी गोलार्ध में और वो नीचे की तरफ आती हैं। जब नीचे की तरफ आती हैं तो क्या होता है कि ये गर्म होती हैं, बादल नहीं बनते, मौसम साफ रहता है, तेज धूप निकलती है। तो यही सब देखने को मिल रहा है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के ज़्यादातर इलाकों में, बिहार के ज़्यादातर इलाकों में। तो आगे अगर देखा जाए कि किस तरह का मौसम रहने वाला है, तो ये जो पश्चिमी विक्षोभ है ये कल रात तक यानी 18 अक्टूबर की रात तक जम्मू कश्मीर के आसपास पहुंचेगा। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, इनकी ऊंची पहाड़ियों पर हल्की बारिश या हल्का स्नोफॉल देना शुरू करेगा। 19, 20 और 21 तारीख को स्नोफॉल जो है वो ऊंची पहाड़ियों पर हिमाचल और उत्तराखंड में भी देखने को मिल सकता है। लेकिन ये क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है, बहुत ज़्यादा इंटेंस नहीं है, इसलिए इससे बहुत ज़्यादा हैवी स्नोफॉल की संभावना नहीं दिखाई दे रही है और ऐसे ही बहुत ज़्यादा बारिश भी नहीं होगी। लेकिन क्या होता है कि जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है तो एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र सेंट्रल पाकिस्तान या पंजाब के आसपास बन जाता है, तो उससे जो उत्तर पश्चिमी हवाएं चल रही होती हैं ये थोड़ी सी अवरुद्ध हो जाती हैं और इनकी स्पीड कम हो जाती है, जिससे कि पॉल्यूशन थोड़ा बढ़ जाता है। तो दिल्ली NCR में 19, 20, 21 तारीख को वैसे ही पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, पुअर कैटेगरी में है, हो सकता है वेरी पुअर कैटेगरी में आ जाए और उस समय ये जो तापमान गिर रहे हैं यानी 17 डिग्री के आसपास, 17.5 डिग्री के आसपास जो न्यूनतम तापमान दिल्ली NCR में है और बाकी इलाकों में भी 17-18 डिग्री के आसपास है, तो 1-8 डिग्री तापमान बढ़ सकता है, यानी कि सर्दी में थोड़ी सी कमी आएगी। सुबह और शाम की वैसे सर्दी है, दिन तो वैसे भी गर्म है और दिन में तेज धूप निकलेगी, इसीलिए यहाँ पर किसी भी तरह की वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं दे रही। लेकिन पंजाब में हो सकता है कि बादल वादल छा जाएं, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई खास वेदर एक्टिविटी होगी नहीं, बादल ही छाएंगे। और राजस्थान के जो पश्चिमी जिले हैं वहाँ पर, और जैसे कि न्यू कांडला हो गया, भुज है, ये जो इलाके हैं गुजरात में, यहाँ 38 डिग्री से भी ज़्यादा तापमान पहुंच चुके हैं। दिन काफ़ी ज़्यादा एक बार फिर से गर्म हो गया है और इसको सेकेंड समर कहते हैं, यानी कि अक्टूबर में क्या होता है कि मानसून तो विदा ले लेता है और तापमान गिरना नहीं शुरू होते, जब मानसून हट जाता है, बादल हट जाते हैं, बारिश रुक जाती है, दिन में एकदम गर्मी बढ़ जाती है। और जो अभी भी देखा जाए तो 17 से 19 और 20 के बीच में डिग्री के बीच में जो गुजरात में कई इलाकों में न्यूनतम तापमान बने हुए हैं, यानी कि सुबह के समय हल्की सर्दी है और दिन काफ़ी ज़्यादा गर्म है, यानी कि 17 डिग्री और 18 डिग्री या 16 से 17 डिग्री तक का डिफरेंस है मिनिमम मैक्सिमम में, यानी इतना ज़्यादा जब डिफरेंस हो जाता है तो क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। दिन गर्म होता है, रातें ठंडी हो जाती हैं, तो जिससे कि बीमारी की संभावना बढ़ जाती है, तो थोड़ा सा ख्याल रखने की जरूरत है। अगर पूर्वी भारत की बात करते हैं तो बिहार का मौसम लगभग शुष्क है, झारखंड में भी बारिश की संभावना बहुत ही ज़्यादा कम है, एक आधे जगह पर यानी दक्षिणी झारखंड में छुटपुट बारिश की गतिविधियाँ हो सकती हैं, यानी पश्चिम बंगाल और असम, मेघालय, ये सारे इलाके भी शुष्क रहेंगे। केवल नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये जो केवल पूर्वी जो भाग है उत्तर पूर्वी भारत का, यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ हमें दिखाई दे रही हैं, बाकी इलाके लगभग शुष्क रहेंगे। गंगा पश्चिम बंगाल में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ हो सकती हैं, उड़ीसा में भी एक दो स्थानों पर बौछारें पड़ सकती हैं, छत्तीसगढ़ में भी जो दक्षिणी और मध्य भाग हैं यानी कि रायगढ़, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, वलोद बाजार, जगदलपुर, इन इलाकों में बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। अंबिकापुर, सरगुजा वगैरह में बहुत हल्की बारिश की गतिविधियाँ हैं, हालांकि पिछले 24 घंटों में अंबिकापुर में काफ़ी तेज़ बारिश हुई है।
अब देखा जाए तो जो मध्य प्रदेश के जो पूर्वी हैं या खास करके दक्षिण पूर्वी यानी केवल जो ये छत्तीसगढ़ से लगे हुए इलाके हैं, यहाँ पर थोड़ी बहुत बारिश की संभावना नजर आ रही है अगले 24 घंटों के दौरान, उसके बाद मौसम शुष्क हो जाएगा। और विदर्भ की बात करें तो विदर्भ में यानी कि 17 और 18 तारीख को बारिश की गतिविधियाँ हो सकती हैं। 19 तारीख से विदर्भ का भी मौसम शुष्क हो जाएगा, और अगर जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश बाकी इलाके शुष्क रहेंगे। अगर हम मध्य महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, कोकण एंड गोवा, इस इलाके में अभी भी तेज बारिश की संभावना है, कई इलाकों में तेज बारिश हो सकती है। मुंबई में हल्की फुल्की बौछारें ही दिखाई देंगी, बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होगी, क्योंकि ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। अब अगर दक्षिण भारत की तरफ चलें तो जो अंदरूनी कर्नाटका है वहां पर बहुत अच्छी बारिश की संभावना है, और सबसे बड़ी बात है कि केरल में ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन नीचे आएगा और केरल में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान मूसलाधार बारिश यानी कि 3-digit रेनफॉल भी हो सकती है, 100 मिलीमीटर की बारिश भी कुछ इलाकों में देखने को मिल सकती है, यानी कि काफी ज्यादा तेज बारिश की संभावना अगले 2 दिनों के दौरान है। और तमिलनाडु के अंदरूनी भागों में, तेलंगाना और जो आंध्र प्रदेश के रायलसीमा वगैरह इस इलाके में बारिश होगी, कोस्टल आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश होगी। 20 और 21 तारीख को चेन्नई और उसके आसपास, चेन्नई, पुडुचेरी, कराईकल, नेल्लोर और उसके आस तिरुपति वगैरह, इन इलाकों में भारी बारिश की संभावना है कि ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन आगे बढ़ेगा लो प्रेशर एरिया बन सकता है और ये चेन्नई और साउथ आंध्र तट के आसपास पहुंच सकता है और उसके कारण यहां पर तेज बारिश हो सकती है, लेकिन ये उसके बाद बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई नहीं होगा, यानी कि साइक्लोन वगैरह का अभी फिलहाल कोई खास संभावना दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन ये 23-24 तारीख को आसपास जब एक और यहाँ पर एक वेदर सिस्टम बनेगा, उनका मर्जर होगा, तब हो सकता है कि डीप डिप्रेशन या डिप्रेशन बन जाए, साइक्लोन बनेगा या नहीं बनेगा, इसके बारे में हम नज़र रखे हुए हैं, और जैसे ही इसका पुख्ता जानकारी मिलेगी हम आपको अपडेट करेंगे। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नज़र।